आज आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल t20 स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त भोला कुमार देवभर झारखंड से। जी हां दोस्तों, आज फिर से लेके आए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का, यानी कि आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल कर रहे हैं, एलडीसी कर रहे हैं, एमटीएस कर रहे हैं, चाहे रेलवे कर रहे हैं, चाहे जीडी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे अपना स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल होता है हमेशा। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा पढ़ाने का अंदाज क्या है पूरा वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। हम सिर्फ बोलते हैं और आपको सुनना है, और सुन के सीखना है, नहीं किसी में नोट्स करना है। बस सिंपल सा फंडा है, आपको सुन के सीखना, सुन के और माइंड में सिर्फ धसाना है, और धसे का ही मेरा पक्का गारंटी है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, गौर करके देखिएगा, सिर्फ साथ ही साथ आपको सीखना है। नहीं मेरा तरीका है कि कोई नोट्स करके आप नहीं रखें, सिर्फ माइंड में नोट्स कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मीथेन का जो सूत्र होता है क्या होता है, यानी कि ये साइंस का क्वेश्चन है। मीथेन का सूत्र क्या है, क्या होता है CH4, क्या होता है CH4 होता है, मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, मेरा पढ़ाने का तरीका है 5 क्वेश्चन तक जाएंगे, फिर 5 क्वेश्चन की फिर रिपीट करेंगे उसको, ताकि आप शायद भूल गए तो फिर आपके माइंड में आ जाए, ठीक है, सुन के सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, BCG का जो टीका है ना, उसमें बी का अक्षर का तात्पर्य क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बी का तात्पर्य क्या है बेसिलस, ठीक है। BCG का जो टीका है उसमें बी का अक्षर का जो तात्पर्य क्या है बेसिलस, क्या है बेसिलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में चल रहा है संविधान का प्रारूप, ठीक है, यानी कि संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था कब हुआ था, कब हुआ था संविधान का प्रारूप पूरा कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था, ठीक है। आपके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, चौथा क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है, ठीक है, यानी कि कौन था, यानी कि राजनीतिक गुरु उसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी का बोलेगा कि उसका राजनीतिक गुरु कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में आ रहा है, भारत जब स्वतंत्र हुआ था यानी कि उस समय वायस राय कौन था, यानी कि किसके समय भारत स्वतंत्र हुआ, सिंपल सा पूछेगा आपके बीच में, भारत जो स्वतंत्र हुआ किसके समय हुआ था, किस वायस राय के समय हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, किसके समय हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हुआ था भारत जो स्वतंत्र हुआ था, किस वायस राय के, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में जा रहा है, सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो कौन है शुक्र है, ठीक है। मैंने 6 क्वेश्चन बता दिया लगभग, ठीक है, अब ये जो 6 क्वेश्चन बताए हैं फिर से रिपीट करना है, ठीक है, माइंड में ढसाना, सुन के उसके बाद आपको याद होना ही गारंटी है। चलिए मैंने क्वेश्चन पहला बताया था मीथेन का सूत्र क्या है CH4, क्या होता है CH4, इसका मीथेन का सूत्र होता है। फिर अक्षर बताए थे BCG का जो टीका है उसमें बी अक्षर का तात्पर्य क्या है, क्या है बेसिलस, ठीक है, बेसिलस उसका तात्पर्य, यानी कि बी का मतलब क्या बेसिलस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया था संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, यानी कि कब पूरा हुआ था संविधान का प्रारूप, कब हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताए थे भारत जब स्वतंत्र हुआ था, यानी कि भारत स्वतंत्र हुआ किस राज, यानी कि किस वायस राय के समय में, किसके वायस राय समय में, किस वायस राय, उस समय वायस राय कौन था, था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन था, होता है यानी कि शुक्र है, ठीक है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है LNA का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, LAN का पूर्ण रूप क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, LAN का पूर्ण रूप क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम दोस्तों, इसलिए हमने ये सब क्वेश्चन चुन चुन के लाए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, किसने किया था फतेहपुर सीकरी का, अकबर ने किया था, किसने किया था, अकबर ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहां तक बता दिया कितना था, लगभग 8 क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, अकबर ने किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि आपके बीच में उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष किसका होता है, तो राज्यसभा का होता है, किसका होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सभापति होता है किस अनुच्छेद के तहत, तो 89(1) के तहत होता है, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, 89(1) के तहत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था,
1951 में, यानी कि 1951 में हुआ था, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1951 में हुआ। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको माइंड में याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वीवीआई हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। हमने अभी क्वेश्चन कुछ बताया, एलेना का पूर्ण रूप क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, अकबर ने किया था। फिर उसके बाद बताया था उपराष्ट्रपति जो पदन अध्यक्ष होता है किसके, राज्यसभा के होते हैं। अगर बात बोले कि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत होता है, 89(1) के तहत होता है। ठीक है, और हमने बताया थी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, वित्त आयोग जो है कब उसका पहला बार गठित हुआ था, 1951 में हुआ था। उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, हैरी पॉटर। ठीक है, हैरी पॉटर का लेखक कौन है, एक बुक है हैरी पॉटर, उसका लेखक है जेके रोलिंग। कौन था, जेके रोलिंग है, था नहीं है। ठीक है, हैरी पॉटर का बुक का लेटर कौन है, लेखक कौन है, राइटर कौन है, हैरी पॉटर का बुक का राइटर है जेके रोलिंग। ठीक है, जेके रोलिंग। ठीक है, उसके बाद हमने बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना। ठीक है, उकाई परियोजना किस नदी पर है, ठीक है, उकाई परियोजना किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। और कहां पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, उकाई परियोजना कहां है, ताप्ती नदी पर है, और कहां पड़ता है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल। ठीक है, पीतल मिश्रण किसका, तांबा और जस्ता का, पीतल मिश्रण। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पीतल जो मिश्रण है किसका है, तांबा और जस्ता का होता है। ठीक है, पीतल। शाहनामा, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक कौन है, तो शाहनामा के लेखक है फिरदोसी। कौन है, फिरदोसी। ठीक है, बोलेगा शाहनामा का लेखक कौन है, फिरदोसी है। उससे पहले हमने किस क्वेश्चन क्या बताया, पीतल मिश्रण किसका, यानी किसका मिलावट होता है, पीतल का, तांबा और जस्ता का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। जी हाँ दोस्तों, आपके बीच में 1820 क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं। अब जितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ठीक है, अब जितना क्वेश्चन पढ़ाए आपको रिविजन टाइप के फिर से माइंड में दौड़ाते हैं, बस ज्यादा लंबा तो वीडियो बन भी नहीं जाएगा, बस आपका वीडियो 12-13 मिनट के अंदर ही रहेगा, 10-12-15 मिनट के लिए। ठीक है, ज्यादा नहीं रहेगा, 15-20 मिनट का बस। ठीक है, आप हमको इसको रिविजन कराना। ठीक है, अभी करेंट अफेयर नहीं ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लेंगे, स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, लेकिन सब क्वेश्चन अभी आपके लिए जरूरी है और करेंट अफेयर भी जरूरी है, करेंट अफेयर आप लोग के बीच में भी लाएंगे। चलिए, हमने अभी बताया, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने बताया मीथेन सूत्र का, मीथेन सूत्र क्या है, CH4। ठीक है, मीथेन सूत्र क्या है, CH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन था BCG। ठीक है, BCG का टीका जो था उसका बी का अक्षर का तात्पर्य क्या है, तो बी का तात्पर्य क्या है, बेसिलस है। क्या है, बेसिलस। संविधान का प्रारूप पूरा कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, ये कमेंट आप बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसको हम रिक्त रखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम तो बता दिए, अगर सुनेंगे पहले तो जरूर आप जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत स्वतंत्र हुआ किस वायस राय के समय में, तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। किसके समय में, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। ठीक है, कौन है, शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LANA का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, LAN का पूर्ण रूप क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था हम लोग, उपराष्ट्रपति जो पदन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष होते हैं किसका, राज्यसभा का। ठीक है, और राज्यसभा का सभापति जो बनते हैं उपराष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत बनते हैं, 89(1) के तहत। ठीक है, 89(1) के तहत वो राज्यसभा के सभापति बनते हैं। ठीक है, कौन, उपराष्ट्रपति। चलिए हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, पहले वित्त आयोग का गठित कब हुआ था, सबसे पहले वित्त आयोग कब गठन हुआ, कब हुआ था, 1951 में। और इसका जो चयन करता है दोस्तों, इसका चयन करता है राष्ट्रपति। ठीक है, हम एक्स्ट्रा बता भी रहे हैं ना कि 20-25 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे जो रिलेटिव है उसे बताते भी चलेंगे और आपको माइंड में धसाना है। ठीक है, तो आपका जो हुआ था वित्त आयोग का गठन 1951 में होता, और इसका जो चयन करता है वित्त आयोग का, उसका राष्ट्रपति करता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये सब सारा आप माइंड में धसा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका
और हैरी पॉटर, ठीक है, हैरी पॉटर का जो लेखक था, हैरी पॉटर का लेखक कौन, जेके रोलिंग, और उससे पहले एक था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर है, और कहां है, तो गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पीतल, जो पीतल है, पीतल मिश्रण किसका किसका, यानी पीतल जो बनता है किसका मिश्रण से बनता है, तो तांबा और जस्ता से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहनामा, शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है, ठीक है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में। एक क्वेश्चन और बोलते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है, याद आ गया है, यानी कि हम जितना क्वेश्चन माइंड में लेके चल रहे हैं दोस्तों, सारा VBI इस तरफ बताने का मतलब क्या है, सारा ये छांटा हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम साइंस का लेते हैं, अग्निशामक जो होता है, अग्निशामक जो वस्त्र का प्रयोग करता है, किसका बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप जानते होंगे तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। यानी कि अग्निशामक जो वस्त्र का प्रयोग करता है, ठीक है, इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को हम यही अंत करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जितना हम पढ़ा रहे ना शायद आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो, सिर्फ वीडियो देखना है, वहीं माइंड को सेटअप करना, कोई लिखने उखने का जरूरत नहीं है। अरे छोटा छोटा ही काम करके एक दिन बड़ा काम होता है, आप छोटा छोटा 20-25 क्वेश्चन ही ले लेके आपके बीच में बहुत सारा काफ़ी क्वेश्चन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन ये नहीं कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आपको एग्जाम में पूछेगा तो चैप्टर बाय एक ही को पूछेगा, नहीं भी पूछ सकता। और ऐसे हम पढ़ा रहे हैं कि सारा सेट से पढ़ा रहे हैं, हो सके आपके लिए यह क्वेश्चन जितना बताएं हो सके एग्जाम के लिए आपके बाद सारा सारा लड़ जाए, टोटल क्वेश्चन आपके बीच में आ जाए, ऐसा हो भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इस तरह काम लाने का मकसद और मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको कंठस्थ हो जाए और माइंड में हो जाए, कोई नोट्स फोर्स का जरूरत नहीं है, तो ठीक है। तो चलिए, अगर पूरा वीडियो देख लिए होंगे उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए हम इसी तरह से वीडियो अगले बार लाएंगे, इसके लिए हम फिलहाल इस वीडियो के यही इस क्वेश्चन के अंत में ही, यानी कि हम इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।